हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। सरकार का लिया कोई भी फैसला अगर बॉलीवुड स्टार्स को ठीक नहीं लगता है तो वो अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटते हैं। हाल ही में जब सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला सुनाया था तो उस वक्त भी कई स्टार्स ने अपनी राय रखी। वहीं अब हाल ही में लिए सरकार के एक फैसले पर बॉलीवुड स्टार्स भड़क उठे हैं। दरअसल मुंबई के आरे इलाके में मेट्रो के लिए 2700 से ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं, जिसे लेकर लगातार विरोध हो रहा है। ऐसे में बॉलीवुड के भी कई स्टार्स इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और पेड़ बचाने की मुहिम के लिए आगे आए हैं। सबसे पहले श्रद्धा कपूर सेव आर के स्लोगन लिखी टी शर्ट पहने हुए विरोध करती नजर आई, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर काफी देखी जा रही है। इस विरोध के अलावा श्रद्धा ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा है, मेट्रो के लिए 2700 से ज्यादा पेड़ों को काट दिया जाता है, ये गवारा नहीं है, ये चौंका देने वाला है। हमारे पास पहले से ही पर्यावरणीय समस्याएं हैं, मुंबई में पहले से ही पर्याप्त प्रदूषण है और अब हमारे फेफड़ों को काट देने के लिए अनुमति दी जाती है, इसे रोकना ही होगा। इसके बाद एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी इस फैसले पर गुस्सा जाहिर करते हुए ट्वीट किया और लिखा है, हैरान हो कि हम इसे होने दे रहे हैं, नागरिकों की आवाजों को सुना क्यों नहीं जा रहा है। वहीं दिया मिर्जा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को टैग करते हुए लिखा है, मैं मेट्रो के खिलाफ नहीं हूँ, उसे बनाए, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र बिगाड़ने की कीमत पर नहीं, जो हमारी अमूल्य सेवा करता है। इसमें और समय लग सकता है, लेकिन बेहतर चुने। इसके बाद ईशा गुप्ता ने लिखा, ये हास्यास्पद हो रहा है, हमारे पर्यावरण पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ने की जरूरत है, न सिर्फ फ्लाइंग कार और मेट्रो महानगरों, बल्कि एक पेड़ जो आगे सबसे महंगी चीज होगी। वहीं कॉमेडियन कपिल शर्मा का कहना है कि सरकार काफी समझदार है और मुझे उम्मीद है कि वो उचित फैसला लेगी। वेल, अब देखना ये होगा कि स्टार्स के इन विरोध पर सरकार क्या फैसला लेती है।